सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस बिहार के सियासी हलकों में भी छाया हुआ है। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार के इस युवा कलाकार की मौत लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है। सो इस मुद्दे को भुनाने के लिए राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD इस मुद्दे का इस्तेमाल सत्ताधारी NDA में फूट डालने के लिए कर रही है। सुशांत केस पर RJD ने खेला सियासी दांव। एक तीर से लगाए दो निशाने। नीतीश कुमार पर साधा निशाना। तो चिराग पासवान पर डाले सियासी डोरी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस को CBI को देने का फैसला सुनाया, बिहार में इस फैसले का श्रेय लेने की होड़ मच गई। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल JDU इसे अपने खाते में जोड़ रही है, तो वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस फैसले के पीछे अपनी मेहनत को बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सबसे पहले उनके दल ने ही CBI जांच की मांग की थी। नहीं, एकदम जो है राजनीति का कोई सवाल नहीं है। जब हम लोगों ने 30 जून को सबसे पहली बार शेखर सुमन जी के साथ मांग की थी, तो हम लोगों ने साफ कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम लोग बकायदा चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले, लेकिन बिहार सरकार जो है 42 दिन बाद जो है संज्ञान लेती है। तो इसके लिए जो कुंभकर्णी नींद से हम लोगों ने लगातार जो है सरकार को जगाया और दबाव दिया। RJD यही नहीं रुकी, लगी हाथ उसने JDU और LJP के बीच चल रही सियासी तलखी का फायदा उठाने की कोशिश की। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हुए एक ट्वीट में इस केस का श्रेय तेजस्वी के साथ LJP प्रमुख चिराग पासवान को भी दिया गया। इस केस में नीतीश कुमार पर सुस्ती दिखाने, तो वहीं तेजस्वी और चिराग के साझा दबाव पर एक्शन में आने का दावा भी किया गया। ट्वीट में चिराग पासवान को टैग भी किया गया था। RJD ने ट्वीट किया है, किसी की औकात नहीं थी जो एक दिन भी सुशांत के परिवार से मिलने नहीं गया और 52 दिन तक इस पर मुंह भी नहीं खोला। बिहार के प्रतिभाशाली युवा कलाकार की मौत की CBI जांच की मांग अगर तेजस्वी और चिराग पासवान उठाकर दबाव नहीं बनाते, तो नीतीश कुमार कुंभकर्णी नींद ही सोए रहते। हालांकि RJD की इस सियासी दाव के बाद भी LJP की तरफ से संतुलित प्रतिक्रिया ही आई है। पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और जल्द न्याय मिलने का भरोसा जताया। हालांकि अपने बयान में उन्होंने बिहार सरकार को इस फैसले के लिए कोई श्रेय नहीं दिया, जबकि सुशांत के परिवार ने नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया था। उम्मीद है कि अब जब ये मामला CBI के हाथ गया है और CBI इसकी जांच करेगी, तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी, बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार NDA के दो दलों JDU और LJP में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गाहे बगाहे दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर तंज भी कस रहे हैं। अटकलें तो यहां तक थीं कि LJP नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। माना जा रहा है कि RJD इसी विवाद का फायदा उठाकर बिहार NDA में फूट डालना चाहती है। राज्य में चुनाव नजदीक है और RJD कोई भी सियासी नुस्खा आजमाने से पीछे नहीं हटना चाहती, जिससे महागठबंधन मजबूत हो और NDA कमजोर हो।